फ्रेंड्स, वेलकम टू नाज किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज चाउमीन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये है मेरा इंग्रेडिएंट्स गाइस। मैंने 3 चाव बॉईल कर लिया है पहले ही। थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने काट लिया है, गाजर लंबे कटे हुए, बंधा गोभी कटे हुए, लहसुन 4-5 कलियाँ कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, अदरक प्याज कटा हुआ, बीट कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई 4-5, टमाटो केचप, चिल्ली सॉस, सोया सॉस। आई गर्म हो चुका और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तो मैं लहसुन डाल रही हूँ और अदरक डाल रही हूँ और इसी में मैं प्याज डाल दूंगी। इसे थोड़ा मुलायम होने तक पकाएंगे। इसमें कटा हुआ गाजर और बीट डाल रहे हैं। दो मिनट हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें कैबेज और कैप्सिकम डालेंगे। अब हम इसमें अपना कैप्सिकम डाल रहे हैं और कैबेज। और हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। सब्जी पक चुका है तो हम इसमें चाव डाल रहे हैं अपना। देखिए हमारा चाव एकदम स्टिकी नहीं है। फिर हम इसमें नमक डाल लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना लगे। फिर हम इसमें 3 मिर्च डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं सोया सॉस दे रही हूँ, टमाटो केचप दे रही हूँ, अब चिल्ली सॉस दे रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो हमारा चाउमीन बन गया है गाइस, बहुत इजी पीजी सा। इसमें मैंने कोई मसाला यूज़ नहीं किया है, ओनली वेजिटेबल्स। और मैंने इसमें ओनली वेजिटेबल्स डाला और आप देख सकते हैं कितना इजी पीजी सा चाउमीन तैयार हो चुका है। और ये खाने में भी बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी लगेगा गाइस। आप इसे प्लीज़ ट्राई करिएगा गाइस। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं अपना वेजी चाउमीन। ये बहुत टेस्टी है गाइस, आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गाइस, आपको मेरा रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।